नमस्कार, मेरा नाम है कुमुद गिरधर और आज हम बात करेंगे एक बिजनेस टॉपिक पे, वो है FDI इन डिटेल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रिटेल सेक्टर। बड़ी छोटी सी न्यूज़ है पिछले, चलिए मोदी जी ने बहुत सारे काम, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं इंडिया के लिए, तो उसमें FDI का भी एक काम है कि हमने FDI खोल दिया है। लेकिन इसका हमें बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि जो हमारे पॉलिटिशियन करे जा रहे हैं वो जरूरी नहीं कि सब चीज़ें फ़ायदे की हों, सिर्फ इन्वेस्टमेंट आने से ही मसला हल नहीं होता। इन चीज़ों के पीछे थोड़ी वर्किंग देखनी चाहिए कि इनका हमारी लाइफ पे, हमारे बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा या हमारी कॉमन मैन की लाइफ पे क्या असर पड़ेगा। FDI रिटेल, अभी आपने जैसे देखा फ्लिपकार्ट है या अमेजन है, जब से ये आए हैं रिटेल बिजनेस वाले लोगों का बिजनेस ख़त्म हो गया, क्योंकि वो बल्क में माल बेचते हैं, अपना मार्जिन कम कर दें क्योंकि वो ज़्यादा बेच रहे हैं, और जितने मान लो बहुत सारे दुकानदार या छोटे स्मॉल स्केल वाले लोग ख़त्म हो गए। सेम चीज़ वर्ल्ड में पहले हो चुकी है, जैसे वॉलमार्ट है US में या और कंट्रीज़ में, जहाँ जहाँ वो गया है वहाँ पे बस आप जो दुकानदार हैं वो एक तरह से उनको दो चॉइस पड़ती हैं, ख़त्म हो या उनके जॉब करें, और एक तरह से इनडायरेक्टली जो पुराने ज़माने में राजा की नौकरी होती थी, गुलामी जिसे कहते हैं, वो इकोनॉमिक जो स्लेवरी हमारी शुरू हो जाती है। तो इसका ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो चीज़ आ रही है ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी, क्योंकि जो अभी तक जो इसका रिकॉर्ड रहा है जहाँ पर भी ये हुआ है तो उसमें दिक्कत यही आई है कि जैसे बड़ा एक जॉइंट आ जाता है, मल्टीनेशनल जॉइंट आ जाता है, तो वो करता क्या है कि वो सारी जगह सारे बड़े बड़े स्टोर खोल देगा, रेट थम, अब हम खुद ही भाग भाग के जाएंगे वहाँ पर क्योंकि रेट कम मिलेगा, और जो छोटे छोटे लोग जो इंडिपेंडेंट काम पर काम कर रहे थे, छोटी छोटी दुकानें, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उससे अल्टीमेटली दो चॉइस बचेंगे, भाई आप अपने बच्चों को वहाँ नौकरी करवाओगे, इतनी सैलरी कमाएंगे, उन्हीं से सामान खरीदेंगे, फिर उन्हीं को दे देंगे, तो एक तरह से आप गुलामी में लग गए। और जैसे अगर हम इसे ध्यान से नहीं देखेंगे, इसका तोड़ क्या है, मैक्सिमम तोड़ तो यही है कि हम ये कर सकते हैं कि जो भी दुकानदार है या कोई भी है वो स्पेशलाइज हो जाए अपनी किसी पर्टिकुलर आइटम में, ताकि उसको एक ब्रांड बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ खाने का बनाते हैं या कोई कपड़ों का काम करते हैं, तो अपनी कोई आइटम पकड़ के आप इसे स्पेशलाइजेशन कर लें, ताकि आप कि ब्रांड जो है वो बना रहे, क्योंकि अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग करते थे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो इसको हमारे नेताओं को भी चाहिए कि ध्यान रखें, और हमें भी एक तरह का एक माहौल बनाना चाहिए कि हमारे इस तरह के सीधे सीधे बड़े बड़े, जैसे डिफेंस सेक्टर में खोलना सही है पर जो रिटेल में खोला है इसका नुकसान हमारे को होगा, तो अपनी तैयारी उसी हिसाब से रखें, अपने आप को एक्सपर्ट बनाएं, स्पेशलाइज बनें, ताकि आपको उसका इम्पैक्ट कम से कम हो। धन्यवाद।